अनंत सिंह को पूरा बिहार पुलिस हर जगह ढूंढ रहा है, जिनको फरार घोषित कर दिया गया वो अनंत सिंह आखिरकार बिहार पुलिस को चकमा देने के लिए आते हैं। दिल्ली में साकेत कोर्ट के में आके अपना वो सरेंडर करते हैं। अभी वो फिलहाल अभी कोर्ट रूम 10 में हरमूम प्रताप सिंह जज जो है उनके सामने उन लोगों को सरेंडर करने के लिए बैठे हुए हैं। उनके तरफ से उनके जो वकील है उन्होंने अपना दलील रखा है और वही जज जो है वो पुलिस से ही पूछताछ कर रही थी कि क्या आपके पास कोई उनके खिलाफ मामला दर्ज है जिसके तहत आपको ऐसा लग रहा है कि उनको यहाँ पे जेल में डाला जा सके। पुलिस ने कहा है कि हाँ हमारे पास मामला है, साथ में प्रूफ की कुछ फोटोग्राफ प्रूफ के तौर पर रखे गए हैं जिसके तहत जो जज है उन्होंने कहा है ठीक है ये आप इनको रख सकते हैं अपनी हिरासत में, अगर आपको ये ज़रूरी लगता हो मामला उनके उनके खिलाफ आपके पास है तो ये ज़रूरी है कि आप उनका हिरासत में लें, लेकिन इसके लिए आपको रिटन एप्लीकेशन देना होगा कि आप उनको हिरासत में ले रहे हैं या आपको बताना होगा लिखित देना होगा। तो अभी लिखित और रिटन एप्लीकेशन नहीं आया अभी तक। अनंत सिंह जो है कोर्ट रूम 10 में वेट कर रहे हैं इसके लिए और जज भी इस मामले पर जो है वो जजमेंट देने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब दिल्ली पुलिस जो है वो आएगी रिटन एप्लीकेशन के साथ और फिर इनको दिल्ली पुलिस के हिरासत में भेज दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है वो आगे की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो अनंत सिंह है वो साकेत कोर्ट में बैठे हुए हैं। कोर्ट नंबर जो है उनका 10 है। हरमूम सिंह जज है जो उनके फैसले को सुना रहे हैं। फिलहाल ये दे दिया गया दिल्ली पुलिस के कस्टडी में उनको सौंप दिया गया है, लेकिन अभी उनसे रिटन एप्लीकेशन मांगा जा रहा है दिल्ली पुलिस से जिससे उनको बाद में मामले की और आगे कार्रवाई की जा सके। आप बने हुए हैं नेहा के साथ, कैमरामैन चंदन से रिपोर्ट दिल्ली। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।